एलआईसी को भी भेज दिया बजट में। आज एलआईसी के सारे पैसे मोदी जी पप्पू यादव पप्पू पासवान का था। आपने 9,36,000 करोड़ रुपया लगभग इस देश का दे दिए, किसको? पूंजीपतियों को। क्या हुआ 15 लाख? क्या हुआ काला धन? क्या हुआ जीडीपी 2.8? क्या हुआ महंगाई 7.9? क्यों 41,000 फैक्ट्रियां बंद हो गई? दुनिया का सबसे नीचे लिस्ट स्कूल हेल्थ और एजुकेशन क्यों? 28 राज्यों में 25 राज्य गरीबी रेखा के नीचे क्यों? काहे? मैं जानना चाहता हूं मोदी जी कहिया जन्म ल रहा है। नुनु अरे हम तैयार छे, हमरा लागे छे कि एक दिन पहले दौड़ी दास के दुकान से बकर मांगे खेले रही है, दोसर दिन साइड रह गई रात भोले भोले भुरुकुआ में जन्म ले। और बहने दूर दराज जहां मेरी आवाज जा रही हो, मामा तमन्ना नाजी सहीम चार हमारे नेत्री और बहने दूर दराज जहां मेरी आवाज जा रही हो, और हमारे प्रमुख साहब 16 बार हमला लेकर रहेंगे, अरे मर के लेंगे, अरे मर के लेंगे, अरे लग के लेंगे, अरे मर के लेंगे। मुझे दिख ही रहा है कि देश में दलित मुसलमान लगभग एक हो चुके हैं, दलित मुसलमानों की विचारधारा एक हो चुकी है, उसमें जो सेकुलर लोग हैं वो सड़क पर आ गए हैं, पूरा यूएन का देश और 155 पार्टी इस काला कानून के खिलाफ, इजराइल को छोड़ के पूरी दुनिया मोदी जोगी अमित शाह के इस गुंडई इस आदमखोरी के नफरत के खिलाफ खड़ी हो गई। पूरा अमन पसंद लोग दिल्ली में जवाब देंगे, इतने नफरत के बाद दिल्ली में गोली चले, कह दो बेटी का बलात्कार, टुकड़े टुकड़े कर देंगे, गोली मारो। ये आप दिख रहा है कि गोडसे के लोग अलग हो गए और अंबेडकर सुभाष भगत और गांधी नेहरू के लोग अलग हो गए, ये फर्क है। मैं अपील करता हूँ पिछड़ों से, मैं अपील करता हूँ नेताओं से, मोदी से मत डर, इतिहास माफ नहीं करेगा। नीतीश जेएनयू में ट्वीट नहीं किया, 2700 बच्चे थे, इसलिए लड़ाई आर पार की है, जब तक नफरत रहेगा।